नमस्कार दोस्तों अनऑफिशियल एक्सप्रियस पर आपका फिर से एक बार स्वागत है देखिए डब्ल्यू बी सी एग्जामिनेशन को लेकर बच्चों के मन में, में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और डाउट्स आ रहा है कि 2022 का एग्ज़ाम कब होगा प्रीलिम्स कब होगा 2021 प्रीलिम्स जो हो गए हाल ही में उसका रिजल्ट कब तक आएगा मेन्स कब होगा तो उन सारे क्वेश्चन की डाउट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे लेकिन अपनी तरफ से कुछ नहीं बल्कि पी की तरफ से क्या रिप्लाईज आए हैं उन्हीं को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मैंने बहुत सारे मिसकनसप्शन्स बहुत सारे चीज़ें यूट्यूब पर मैंने खुद देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स तो ऐसा भी बता रहे हैं कि डब्ल्यू बी एग्जाम होगा ही नहीं फ्यूचर में बंद हो जाएगा दो का प्रीलिम्स नहीं होगा लेकिन एक्चुअल में सब कुछ कैसा है गूगल पर भी बता रहा है कि गूगल uh, पर तो उल्टा बता रहा है कि दिसंबर में ही नोटिफिकेशन आ जाएंगे 2022 प्रीलिम्स का तो देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पी की तरफ से क्या रिप्लाइज़ है एक्चुअल में क्या हो सकता है क्या होने वाला है वो सारे चीज़ें ठीक है देखिए एक्सपीरियंस के मन में बहुत सारे ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं हिंदी में क्यों वीडियोज़ बनाता हूँ वेस्ट बंगाल के ऊपर डब्ल्यू के ऊपर हिंदी में क्यों मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ देखिए अनऑफिशियल एक्सपीरियंस बस वेस्ट बंगाल के एग्ज़ाम्स को कवर नहीं करता है पूरे इंडिया में होने वाले जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्जामिनेशनस को दोस्तों हम कवर करने की कोशिश करते हैं उन एग्जामिनेशंस के नोटिफिकेशन से शुरू करके कट ऑफ या फिर जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें होते हैं जैसे कि यहाँ पर डेली मंथली ईयरली करेंट अफेयर्स आप देख सकते हो हाल ही में हमने पूरे 2021 करंट करेंट अफेयर्स को मतलब एक पूरा पूरे साल का जो करेंट अफेयर्स होता है ना जो पूरे साल के टॉप थाउजेंड जो करंट अफेयर्स है उनको हमने एक सीरीज़ के तरह रिलीज़ किया है एपिसोड वन एपिसोड टू करके तो उनको आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा ठीक है तो इसीलिए मैं हिंदी में वीडियोस बनाता हूँ ताकि ज़्यादातर लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ अभी देखो अगर मैं अगर बस बंगाली में या फिर किसी एक पार्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में वीडियोस बनाता तो फिर कुछ ही पार्टिकुलर स्टूडेंट्स को वो समझ में आते मैं सारे एग्ज़ाम को कवर भी नहीं कर पाता ठीक है तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अभी मुझे तो नहीं आते हैं सारे लैंग्वेजेस साउथ या फिर कुछ और और स्टेट्स के लैंग्वेजेस मुझे नहीं आते मुझे हिंदी इंग्लिश और बंगाली आती है इसीलिए मैं हिंदी में वीडियोस बनाता हूँ ठीक है तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक आज का टॉपिक शुरू करते देखिए दोस्तों हमारे चैनल पर आपको आप नीचे जाओ हमारे चैनल पर वहाँ पर जाके आपको फर्स्ट पेज पर ही ना ये वाला वीडियो मिल जाएगा डब्ल्यू बी सी एस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का कट ऑफ यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है उसके अलावा भी दोस्तों ये इस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि कट ऑफ़ का ट्रेंड क्यों चेंज हो रहा है क्यों धीरे धीरे बढ़ रहा है फ्यूचर में कट ऑफ कैसे हो सकते हैं क्यों वैसे हो सकते हैं तो इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ तो आपको मिल जाएंगे जो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे रिलेटेड लगे आपके एग्जाम्स से वो सब देख सकते हो ठीक है तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उसके ऊपर पी ने क्या रिप्लाई दिया है देखिए यहाँ पर मैंने साइड में पेपर कटिंग रखा है जिसको जिसका आंसर दोस्तों पीएससी की तरफ से आया है क्वेश्चन और आंसर बंगाली में आप साइड में पढ़ सकते हो ठीक है साइड में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है मैं आपको साथ ही साथ समझाता हुआ चलूंगा देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है दो का मीन्स कब होगा इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों ये भी क्लियर हो जाएगा कि प्रिलिम्स का रिजल्ट कब तक आएगा देखिए अभी तक प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया नहीं है ऐसा पीएससी की तरफ से बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इसी मंथ यानी कि दोस्तों दिसंबर की एंड तक रिजल्ट्स आ सकते हैं पीएससी मतलब डब्ल्यू बी सी एस के रिज़ल्ट की ठीक है लेकिन दोस्तों मुझे जितना लगता है दिसंबर ख़त्म होने को है मतलब कुछ ही दिन हाथों में है अभी तक तो दिसंबर की लास्ट में या फिर आप कह सकते हो जनवरी की फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो पीएससी कहता है कि आ, फिर टेस्ट होगा मार्च महीने में यानी कि मेंस 2021 का जो मेंस है वो मार्च महीने में हो सकता है अगर रिजल्ट्स दिसंबर के लास्ट तक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में रिलीज हो जाए ठीक है मतलब यहाँ पर एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बन जाता है कि आपका मीन्स मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में हो सकता है इससे ज़्यादा लेट पीएससी नहीं करवाएगा डब्ल्यू बी एग्जामिनेशनस का तो जिनका भी दोस्तों प्रीलिम्स में स्कोर 120 से ज़्यादा आ रहा है यूआर कैटेगरी के, के अंदर आप मेरा कट ऑफ वीडियो पूरा जाकर देख सकते हो हमारे चैनल में मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा वहाँ पर मैंने बता रखा है कि कट ऑफ और सेफ स्कोर आपका कितना कितना है कितना स्कोर करने से आप मेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो तो अगर आपके उतने स्कोर्स आ रहे हैं मैं फिलहाल के लिए बता रहा हूँ कि यू आर कैटेगरी के लिए 120 आप मान के चल सकते हो बाकी कैटेगरीज में मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है ठीक है तो आप मान के चल सकते हो कि वन से ज़्यादा अगर आपका आ रहा है यू कैटेगरी में तो आप मेन्स की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो एकदम ताबतोर प्रिपरेशन ताकि मार्च अप्रैल महीने में अगर आपका एग्जाम हो तो आप उसे फोर पाओ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम एक ही पैटर्न में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी यहाँ पर साइड में पेपर कटिंग देखने को मिल जाएगा पीएससी की तरफ से जो रिप्लाई है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बंगाली में साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है क्वेश्चन है हमारा 2022 का डब्ल्यू बी एग्जाम का डेट ठीक है तो देखो पी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि प्रिलिम्स का डेट मतलब जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है गूगल पे सर्च करने से आपको जो दिखा रहा है वो उनका ऑफिशियल नोटिस नहीं है ठीक है वो बस उनका एक ईयरली एक रूटीन कह सकते हो आप मतलब जब कोविड कोविड नहीं था सब कुछ सही था तब वो होता था ठीक है तो गूगल में अभी तक उसको चेंज नहीं किया गया है इसीलिए अभी तक भी वही शो कर रहा है गूगल में कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है और फेबर मार्च में प्रीलिम्स होता है लेकिन वो दोस्तों असली नहीं है अभी चेंज हो जाएगा सब कुछ तो देखिए अगर नोटिस इस मंथ इशू होता है जैसे कि जितना कि मुझे लगता है कि अगर इस महीने मतलब दिसंबर के एंड तक रिजल्ट्स आ जाते हैं तो जनवरी में हो सकता है आपका 2022 का प्रीलिम्स नोटिफिकेशन भी आ जाए तो आ, हमारा जो एग्ज़मिनेशंस है वो अप्रैल में हो सकता है अभी देखो अगर दो प्रीलिम्स का रिजल्ट आने में थोड़ा सा लेट करता है यानी कि जनवरी तक वो चला जाता है जनवरी सेकेंड या थर्ड वीक तक तो उसी के साथ साथ बाईस का प्रीलिम्स एग्जाम भी थोड़ा सा डिले होता जाएगा यानी कि आप मान के चल सकते हो अभी अप्रैल से मई महीने तक की एक बहुत ही आ, मतलब एक पॉसिबिलिटी है एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल से मई तक आपका 2022 का प्रीलिम्स हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना अगर चैनल पर नए हो तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पर शेयर किया जाता है ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर